हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। श्री श्री जी महाराज की जय हो। यहां कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, आपका आदेश था महर्षि विश्वामित्र जी के आने का समाचार तुरंत दिया जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए? जी हां महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी आ गए हैं। नगर के बाहर आम्र वाटिका में उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। राजन, उनके स्वागत के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। पधारिये विदेह जनक, राजन विराजिए। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपका स्वागत है। आपके चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया, इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे टाल सकते थे? प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है आप राजमहल में चलकर निवास कीजिए, जिससे इस सेवक को स्वयं आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। कल्याण वस्तु। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी,
ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। इन्हें देखकर मेरे सहज वैरागी मन में अनुराग की तरंगे क्यों उठने लगी हैं? मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। विदेहराज, तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इनकी मोहिनी ही ऐसी है कि संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण, महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुझे इनके दर्शन करा के आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है मुनिनाथ, कि जैसे कोई चांद को चकोर से मिला दे या ब्रह्म को जीव से मिला दे। ब्रह्मर्षि गौतम कुमार शतानंद जी, हम जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। जनकपुर आते हुए हम श्री राम को श्री गौतम मुनि के आश्रम में ले गए थे, जहां श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता देवी अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली जैसे परशुराम की माता रेणुका अपने पति से जा मिली थी। ब्रह्मर्षि, मैं आपका कृतज्ञ हूं। हे राम, आपने मेरी माता का उद्धार किया, हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धो दिया। आपको शत शत प्रणाम। महात्मन, ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब इस दास पर कृपा करके राजमहल पधारिए। जैसी आपकी इच्छा राजन। राम, लक्ष्मण, चलो। भव्य, विशाल, अति सुंदर, धन्य है राजन आपका सत्कार। राजमहल की अतिथिशाला में ऋतुओं के अनुकूल सारे प्रबंध है महर्षि। ये सारे प्रबंध किस लिए? हम तो ठहरे तपस्वी। मुनिवर, आपके पुनित चरण जहां भी पड़ जाएं, वह स्थान तपोभूमि बन जाता है। परंतु आपके साथ अयोध्या के राजवंश का आतिथ्य करने का सौभाग्य जो मिथिला को प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या गौरव हो सकता है। भगवान, हमारे प्रबंध में कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें उदारता से क्षमा कीजिएगा। शतानंद जी, आपके प्रबंध में त्रुटि हो ही नहीं सकती। महाराज जनक, आप हमारी चिंता ना करें, आप अपने दूसरे अतिथियों की ओर ध्यान दें। जो आज्ञा। ये कोमल चरण न जाने अब किस महल के प्रांगण में नुपुर खनकाएंगे। इन गोरे गोरे हाथों को न जाने कौन हमसे छुड़ाकर दूर ले जाएगा। कहते हैं विवाह तो पिछले जन्म के संयोग से होता है, जिसके साथ जन्मों का नाता होगा वही ले जाएगा। पर एक बात मैं जानती हूँ उर्मिला। क्या मांडवी जीजी? यही कि शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा सके वो तो कोई परमवीर परम प्रतापी ही होगा। पर अब तक जितने राजकुमार आए हैं मैं सबको एक एक करके देखकर आई हूँ। कोई बलवान है तो वो सुंदर नहीं, सुंदर है तो बुद्धिशाली नहीं, कोई भी बांका ऐसा नजर नहीं आया जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। है, अवश्य है। और मैं उन्हें देखकर आ रही हूँ। इसे देखकर आई हूँ। सुंदरता और वीरता की जीती जागती एक मूर्ति। परंतु है कौन? अयोध्या के राजकुमार श्री राम। ऐसा लगता है त्रिलोक की सारी सुंदरता और विष्णु की सारी वीरता एक ही पुरुष में समा गई हो। परंतु तूने ऐसी कौन सी विशेषता देखी है उनमें? कैसे बखान करूं, क्या बखान करूं? अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ
वो जिधर से भी गुजरते हैं लोग और लुगाई उन्हें ठगे के ठगे खड़े के खड़े देखते रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि देवलोक से कोई देवता मिथिला नगरी में आ गया हो। सच कहती हूँ राजकुमारी जी, आप उन्हें एक बार देख ले तो महाराज की प्रतिज्ञा को भूल जाए। मुनिवर सयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी, करत विविध जप जोग बिरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि अज्ञा दीनी, बार बार मुनि अज्ञा दीनी, रघुवर जाय सयन तब कीनी, रघुवर जाय सयन तब कीनी। चापत चरण, चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। चापत चरण लखनु उरलाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौड़ी धरी उर पद जल जाता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करना, अक्षत धूप दीप नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और माँ से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। आप ही चल के पूजन कराइए ना काकी जी। नहीं बेटी, इस पूजा में महारानी नहीं जाती। स्वयंवर, ये विवाह से पहले गौरी पूजन का जो विधान है उसमें केवल कुंवारी कन्या ही जाती है। वो भी केवल उसी मंदिर में जहाँ भगवती का रूप कुमारी का रूप होता है। कुमारी का पूजन करके मनोवांछित वर का वरदान गौरी मैया से मिलता है। उर्मिले, मांडवी, सीता जीजी को संभाल कर ले जाना। चलिए जीजी। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है, आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गौरी मंदिर जाए रे, माँ की जय जय।
साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दौ भाई। हमें गुरुदेव की पूजा के लिए थोड़े से पुष्प चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो आपके इस पुष्प वाटिका से ले लें। हाँ हाँ ले लीजिए, ये सब पूजा के लिए पुष्प हैं। धन्यवाद। लता की तरह झूमे जा रही है, कुछ बोल भी। बाग बिलो कन राज कुवर दो बाग बिलो कन राज कुवर दो चलो ना सीते, एक नजर उन्हें देख तो लो। हाँ हाँ चलो देखी कौन है वो जिन्होंने अपने रूप से सारी जनकपुरी को लुभा रखा है। चलो ना सीते। चन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिसी जनुषि सुमृगी सभी लोचन लल जाने अरखे जन निज निधि पहचानी।
पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघा, एक दूजे को देखत मन न अघाए। राम सिया में, सिया राम में, राम सिया में, स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनुचित वचकोरी, शरद शशि जनुचित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरवानी, दीने पलक कपाट मती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुध नहीं, मंदिर को चली वही सखियों को छोड़, पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो, गुप्त रख मनोरथ को, महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती।
विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिए प्रसाद सिर धरे शशि उयौ सुहावा सियमुख सरिसु देखि सुख पावा बहुरि विचार कीन मन माहि बदन सम हिम करना जनम सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन सकलं पाव किमी चंद
बापू रो रंग चंद बापू रो भैया क्या बात है? कुछ नहीं लक्ष्मण। आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा, बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूं। आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जा रही हैं, और हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूं तो लगता है सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का मन तो भूल से भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। हो सकता है वो पराई ना हो। हाँ, अभी उनका स्वयंवरी तो होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो विधाता ही जाने। नंदा ने ठीक ही कहा था कि ऐसे सुंदर और सजीले राजकुमार आज तक नहीं देखे। उनके मुखारविंद की ऐसी शोभा है कि उसके आगे बेचारा चंदा भी फीका लगता है। क्यों जीजी? अरे जीजी से क्या पूछती है, वो यहाँ हो तब ना। तन यहाँ है और मन पुष्प वाटिका में चोरी हो गया है। जब मन ही अपना न रहे तो तन की सुध-बुध कहाँ रहती है? उर्मिला, वो राजकुमार इतने सुकोमल है, उनसे वो शिवधनुष उठेगा या नहीं? मंगल भवन अमंग न बुझाए।